बच्चे मन के सच्चे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे किड्स थीम का एक बहुत ही स्पेशल सा आसान तरीके से कार केक, और वो होगा चॉकलेट फ्लेवर का। और मैं ना बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो आज फ्रेंड्स, जो केक बना रही हूँ वो ऑलमोस्ट आधा केजी के आसपास है। तो मैं अपने होममेड प्रीमिक्स को यहाँ यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने आपको अपनी लाइव क्लासेस में बनाना सिखाया है। और ये प्रीमिक्स की रेसिपी मेरे कमर्शियल लेवल की है, जो कि मेरे मास्टर कोर्स में भी आ रही है। तो यहाँ पर 1.5 कप हम ले रहे हैं प्रीमिक्स चॉकलेट फ्लेवर का। इसके अंदर फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले से ही डाली हुई हैं, तो केक बनाने के समय हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस प्रीमिक्स को बनाकर आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है अपने 250 ml वाले कप से लगभग 1.5 कप प्रीमिक्स, और अगर ग्राम्स में देखो तो ये होगा लगभग 180 ग्राम। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना मैंने इसका बना लिया स्मूथ सा बैटर। और ये मैंने अपना फ्रेंड्स ब्रेड मोल्ड लिया है, जिसके अंदर मैं हमेशा की तरह सेट कर रही हूँ। और डी का ये इको बेक बेकिंग पेपर, जिसकी वजह से केक इजिली डीमोल्ड होगा, ये कहीं चिपकेगा नहीं। और इसको खरीदने का ऑनलाइन परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसे आप पेपर को रीयूज कर सकते हो और ये इको फ्रेंडली भी है। तो बस छटपट से मैंने अपना सारा बैटर इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये जो मोल्ड है वो मेरे 7 इंची का है, तो हम इसी के अंदर बेकिंग करके अपने कार की शेप देंगे, जिसमें हमें बहुत कुछ कटिंग वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने अपने OTG में फ्रेंड्स 30 मिनट के लिए इसको रखा था बेक होने के लिए, और ये फर्स्ट क्लास बेक हो गया है। अब इसको हम धीरे धीरे डीमोल्ड करेंगे। और फ्रेंड्स, ये ना थोड़ा अर्जेंट मुझे बनाना था, तो मैं पानी के अंदर रख करके इसको ठंडा कर रही हूँ। और ये देखिए कितने आराम से डीमोल्ड हो गया है। तो फ्रेंड, जरूर से जरूर बाजार के प्रीमिक्स को छोड़कर आप मेरे वाले प्रीमिक्स की रेसिपी को ट्राई करना। और उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी लाइव क्लासेस को देखना है, या फिर मेरे अपकमिंग 14 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले मास्टर बेकिंग कोर्स को ज्वाइन करना है, जिसमें इस प्रीमिक्स की डिटेल में रेसिपी होगी, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। तो यहाँ पर केक तो फ्रेंड्स डीमोल्ड हो गया है, मैंने टॉप लेयर भी निकाल दी है। अब मैं इस केक की ना पतली पतली लेयर कट करूंगी, तो उसके लिए ना आप पहले चाकू की मदद से इसके ऊपर थोड़े निशान लगा दीजिएगा। और फिर क्योंकि केक लंबा है, ब्रेड मोल्ड में कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ऊपर से मेरा केक तो गर्म भी है तो सॉफ्ट भी होगा, तो मैं ना थ्रेड की मदद से इसकी लेयर्स को कट करूंगी। तो यहाँ पर धीरे से इस तरीके से थ्रेड को अपने मार्किंग में इंसर्ट कीजिए, और फिर अपनी डायरेक्शन में खींचते जाइए हल्का हल्का, और ये आपकी पतली पतली लेयर कट हो जाएंगी। तो मैं टोटल 3 लेयर इसकी कट करूंगी, मैंने टॉप लेयर भी कट की है, तो उसी को जोड़ तोड़ करके हम अपना कार केक बना लेंगे। तो यहाँ पर केक को ना फ्रेंड्स, लेकिन ठंडा आप जरूर कर लीजिएगा। मेरे केस में मैंने इसको फ्रिज में रख करके कैसे तैसे ठंडा किया है, क्योंकि मैं अब इसे फ्रिज में रखने जाऊंगी, और तब तक मैं इसके लिए ना क्रीम बीट कर लूंगी। तो कट करके रखने से ना क्या होता है, केक जल्दी ठंडा होता है और काम भी आसान हो जाएगा। तो इसे रखते हैं फ्रिज में, और अब तैयार करते हैं इसके लिए गनाश, जो कि हम इसके अंदर फिलिंग में यूज करेंगे, और साथ ही इसके लिए क्रीम। तो मैंने चॉकलेट कंपाउंड को कट किया फ्रेंड्स लगभग 100 ग्राम, उसके अंदर मैंने 50 ग्राम डाली व्हिपिंग क्रीम, दोनों को मिक्स करके गरम कर लिया माइक्रोवेव में, और बना लिया ये चॉकलेटी गनाश। और मेरा ना ये गनाश बनने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा बच गया था, तो आपका गनाश अगर कभी भी बच जाए तो आप फ्रिज में रखकर एयर टाइट में रख के उसे स्टोर कर लें, और 10 दिन तक आराम से आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के दौरान, क्योंकि ये टाइट हो जाएगा फ्रिज में रखने से, तो आप हल्का गर्म कर लें, और गर्म करने के दौरान लगे तो थोड़ा बहुत पानी या क्रीम या दूध डाल के इसको सॉफ्ट कर लें। तो मेरे केस में तो फ्रेंड्स थोड़ा ही बचा था, तो मैं जनरली रोजाना ही केक बनाती हूँ, तो मेरा तो ये यूज़ हो गया, बट इसे आप बता दूँ 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रीम डाल के फ्रेंड्स मेजरमेंट के साथ ही आप गनाश बनाइएगा। मैंने इसे गर्म किया और ये मेरा बन गया परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला गनाश। हाँ, इसे केक पर डालने वाले हो ऊपर, या ड्रिप बना रहे हो तो छान लीजिएगा, बट मैं फिलिंग में यूज़ करने वाली हूँ तो छानने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद मेल्ट होकर के एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, लेकिन यूज़ ठंडा करने के बाद ही कीजिएगा। तो गनाश ठंडा हो रहा है, केक भी ठंडा हो रहा है, हम तैयार करते हैं इसके लिए क्रीम। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स केक हमारा आधे केजी का है, लेकिन कार केक का, और उसमें ना जनरली थोड़ी सी क्रीम ना एक्स्ट्रा चली जाती है, कुछ भी कर लो जाएगी ही जाएगी। तो उसके लिए मैं 250 ml के करीब ही क्रीम ले रही हूँ, और इसको मैंने डाला अपने अगारो के स्टैंड मिक्सर के बाउल में। अब इसका लगा देंगे हम ब्लेड, और इसमें हम विप करेंगे करीब 5 से 6 मिनट तक। तो ऐसे में क्या होता है ना फ्रेंड, जब आपके पास अर्जेंट ऑर्डर हो तो मशीनों से ना काम आसान हो जाता है, भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जब तक ये क्रीम बीट कर रहा है मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। तो इसमें ना 10 स्पीड लेवल हैं, तो पहले मैं 3 पर रखूँगी 2 मिनट के लिए, फिर 6 पर, और फिर लास्ट में 9 पर। तो 5 से 6 मिनट में मेरी क्रीम बीप हो गई है। अगर आप भी इस तरीके से काम करना चाहते हो तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक मेरे अगारो के स्टैंड मिक्सर का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो ले सकते हो। अब फ्रेंड्स केक ठंडे हो गए हैं, मैंने केक बोर्ड पर उसे एक प्लेस कर दिया है क्लियर को।
उसको मैंने सिंपली पानी से मॉइस्ट किया ब्रश की मदद से, और जो क्रीम हमने तैयार की थी ना फ्रेंड्स, थोड़ा मैंने गनाश डाल के ना उसको चॉकलेट फ्लेवर की कर लिया है, तो उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो अभी तो मैं फ्रेंड्स पाइपिंग बैग से इसमें डालूंगी क्रीम को, क्योंकि ऐसा करने से ना क्रीम एकदम बराबर लगेगी, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, और हमारा काम भी ना अर्जेंसी में जल्दी होगा। क्योंकि क्या होता है, हम स्पैचुला से क्रीम लगा तो लेते हैं बट कहीं पर वो कम कहीं पर वो ज़्यादा, तो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए सेफ साइड में एक ही बारी में पाइपिंग बैग से अपना काम करूंगी। और अब यहाँ पर पाइपिंग बैग में क्रीम भरने के बाद फ्रेंड्स हम इसे अप्लाई करेंगे अपनी केक की लेयर पर। तो जैसे पेस्ट्री की आइसिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, एकदम स्क्वायर स्क्वायर करके मैं बिल्कुल वैसे ही क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि कार केक है ना, हल्का फुल्का क्रीम ऊपर नीचे हुई तो टेढ़ा मेढ़ा होने का काफ़ी डर रहता है। तो बहुत ही शांति से आराम से काम कीजिए, पाइपिंग बैग से कीजिए, आपका काम एक ही बारी में परफेक्ट और नीट एंड क्लीन प्रोफेशनल स्टाइल का निकल के आएगा। यहाँ पर देखो क्रीम मैंने लगा दी अच्छे से, अब इसे पैलेट नाइफ से इक्वली थोड़ा सा प्लेन कर देंगे, स्मज कर देंगे, ताकि बिल्कुल ये बराबर की हो जाए। लेकिन ना उससे पहले फ्रेंड्स मुझे काम याद आ गया, मुझे ना कार केक बनाना है, तो उसके आगे की ना थोड़ी शेप मुझे देनी थी, तो मैंने किनारों को ना हल्का सा ब्लंट कर दिया है, कट कर दिया है, और फिर इस क्रीम को मैंने स्प्रेड किया। अब डाल देंगे फ्रेंड्स तैयार किया हुआ अपना गनाश। गनाश डालने से पहले मेक श्योर कि वो ठंडा हो गया हो, गर्म हुआ ना तो क्रीम जो है ना आपकी मेल्ट होने लगेगी, नीचे वाली भी और जो अभी आप ऊपर लेयर लगाएंगे उसकी भी। तो कभी कभी क्या होता है ना, केक की लेयर इधर उधर थोड़ी डिसमेंटल होकर शेप बिगाड़ सकती है, तो ठंडा करके ही सारी चीज़ों को यूज़ करना। अब मैंने सेकेंड लेयर भी लगा दी है फ्रेंड्स, और तीसरी लेयर को ना मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसको कट करके लगाना है और कार की पूरी शेप मेंटेन करनी है। तो मैंने लेयर को छोटा छोटा टुकड़ों में कट किया और क्रीम के ऊपर उस तरीके से बीच में ही ना उसको लगा दिया, ताकि कार की थोड़ी शेप आ जाए। अब देख सकते हो सेंटर में मैंने क्रीम लगाई और केक के थोड़े पीस स्क्वायर फॉर्म में काट करके मैंने उसको प्लेस कर दिया। अब थोड़ी सी कार की शेप को फ्रेंड्स आपको खुद ही अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए मेंटेन करना होगा, तो एकदम स्क्वायर या रेक्टेंगल पीस ना कट करके ना हल्के से उनके एंड्स को ब्लंट कर देना, ताकि एक प्रॉपर कार की ना शेप आ जाए। क्योंकि यहाँ पर शेपिंग जो आप करोगे ना फाइनल लुक में, वो आपको हेल्प करेगी और आपको ज़्यादा फिर फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिंपली मैंने कार के लिए ये शेप के लिए केक के पीसेस कुछ कट किए हैं, क्रीम मैंने दिखा दी और इनको मैंने लगा के प्लेस भी कर लिया। अब फ्रेंड्स फाइनली इसके ऊपर क्रीम लगा करके ना हम इसका एक बेस स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और फिर इसके ऊपर फाइनल आइसिंग करेंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गनाश लेकर के जो भी आपको मेंटेन करनी है इसकी शेप को मेंटेन कर लीजिएगा, और अब एक्स्ट्रा क्रीम पाइपिंग बैग से ही लगाकर मैं इसकी केवल और केवल करूंगी क्रम कोटिंग। देखिए जब भी ऐसे केक बनाए ना फ्रेंड्स, क्रम कोटिंग अच्छे से करें, उससे क्या होगा फाइनल जो डिज़ाइन बनाओगे ना वो नीट एंड क्लीन बनेगा। मैंने यहाँ गलती कर दी, मुझे बेस स्ट्रक्चर भी ना थोड़ा उस कलर का बनाना था जिससे मैं फाइनल डिज़ाइन बनाने वाली। ऐसा करने से कहीं भी चांस नहीं होता कि आपका केक कहीं से भी पीछे से दिखे, बट उस समय तो मैंने वाइट कर दिया था। अभी ना फ्रेंड्स जो केक के पीसेस बच रहे थे ना, मैंने एक साइड में रख के ना उनको पीछे से थोड़ा उठा दिया, क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि थोड़ा मैकक्वीन स्टाइल की लुक में केक बनाइएगा, बच्चे का नाम भी बोला था उन्होंने लिखने के लिए, तो सारी प्रोसेस करूंगी। तो यहाँ पर ना कैसे तैसे मैंने फ्रेंड्स शेप को मेंटेन किया है केक की, और आप देख सकते हो ब्रेड मोल्ड के अंदर भी ना ज़्यादा कटिंग शटिंग की है हमने ना, फटाफट से अपना केक बना लिया। तो ज़रूरी नहीं है आप स्क्वायर में या राउंड शेप में केक बना करके फिर उसकी कटिंग करें और बनाएं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ब्रेड मोल्ड में केक बनाइए, केवल 2 से 3 कटिंग में ही एक ऊपर बोनट और पीछे की डिज़ाइनिंग में आपका केक रेडी हो जाएगा, और कोई भी वेस्टेज भी नहीं होगी। मैंने पूरे केक की लेयर्स फ्रेंड्स पूरे केक में यूज़ कर लिए, कुछ भी बचा नहीं है। अब ना जो चॉकलेट गनाश हमने बनाया था फ्रेंड्स, मैंने उसको छाना और पाइपिंग बैग में भर लिया। उससे ना मैं कार की थोड़ी सी डिटेलिंग कर रही हूँ, अगर आप एक्सपर्ट हो तो डायरेक्टली गनाश से इसकी डिटेलिंग कर लेना, मेरी तरह नहीं हो एक्सपर्ट उतने, हाथ थोड़ा बहुत हिलता है, तो टूथपिक से ना थोड़ी डिजाइनिंग कर लेना और फिर उससे काम करना। तो मैंने वही किया है, टूथपिक से खिड़की और थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग का काम कर लिया है, निशान बना लिए हैं, और अब गनाश से उसके ऊपर बनाने से ना काम आसान हो रहा है और झटपट से नीटनेस के साथ हमारा काम हो रहा है। तो साइड की विंडोज़, आगे का और पीछे का फ्रंट जो मिरर होता है वो भी मैंने डिटेलिंग के साथ बना लिया है, और ऐसे कामों को करने में ना फ्रेंड्स काफ़ी मज़ा आता है। अब बारी आती है टायर्स की, तो टायर के लिए भी फ्रेंड्स मैंने सर्कल में टूथपिक से मार्किंग की थी और बना लिया है डिज़ाइन, और फिर ना गनाश से ही आज मैं इसके टायर बना रही हूँ। अब चाहो तो ओरियो का बिस्किट लगा सकते हो, बट मेरे केस में ना बिस्किट बहुत बड़ा लग रहा था कार के हिसाब से, तो मैंने गनाश से इसका सर्कल कर लिया। अब थोड़ी थोड़ी क्रीम में ना मैंने येलो, ऑरेंज और ब्लू कलर की क्रीम बनाई है, जो कि मैं अपने कार के ऊपर डिज़ाइन करने वाली हूँ, और उनको ना छोटे छोटे पाइपिंग बैग में भर करके थोड़ी डिटेलिंग का काम कर रही हूँ, वो आप देख के ही समझ जाओगे। कुछ इलेक्ट्रिक लाइटनिंग का मार्क होता है वो बना रही हूँ, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं फ्रेंड्स, बेटे से ही पूछ पूछ के बना रही थी, तो वो बना रहा था मम्मा साइड में बनाओ, ये करो वो करो, और लाइट क्लासेस के दौरान कर रही थी तो व्यूअर्स भी बता रहे थे। तो मैंने येलो कलर की क्रीम से आगे साइड्स में कुछ डिज़ाइन बनाई, ऊपर बनाया,
और फिर ना मैंने ब्लू कलर की क्रीम को भरा पाइपिंग बैग में लगाया, एकदम छोटू साइज का स्टार नोजल। और जितना भी अब व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना फ्रेंड्स, उसको हम सीक्वेंस के साथ डॉट डॉट करके पूरा फिल कर देंगे। अब यहाँ पर ना फ्रेंड्स, जितनी सफाई आप दिखाओगे उतना ही सुंदर आपका केक की डिजाइन बनेगी और उतना ही सुंदर आपका केक लगेगा। और इसके लिए ना फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप एक ही नोजल से पूरा केक का डिजाइन बनाइएगा। दूसरी चीज, जब आप पाइपिंग बैग से काम कर रहे हो तो जो पाइपिंग बैग में क्रीम थोड़ी सी बच जाती है ना, उसको कभी भी यूज मत कीजिएगा। उसको मेन क्रीम में मिला के चाहे तो फ्रिज में रख के सेट करके यूज करना, बट लास्ट की पाइपिंग बैग में ना क्रीम बहुत मेल्टेड होती है, तो उससे क्या है, सफाई वाले स्टार फ्लावर नहीं निकलेंगे, तो आपकी डिजाइन गड़बड़ लग सकती है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, बीच बीच में अपनी क्रीम को फ्रिज में रखते रहिए और एक ही नोजल से काम कीजिए, तो आपका भी बहुत ही सुंदर इस तरीके से केक बन के रेडी होगा। तो मैंने यही किया है, यही ट्रिक्स अपनाई है और जिसकी रिजल्ट में आपको मेरा केक दिख रहा है। कई बार क्या होता है ना, पाइपिंग बैग की एंड की क्रीम एकदम मेल्टेड होती है और हम लगे रहते हैं उससे डिजाइन बनाने में, तो उससे क्या होता है, जो कुछ स्टार फ्लावर अच्छे बने होते हैं, वो जो गड़बड़ वाले फ्लावर होते हैं वो पूरी डिजाइन को बिगाड़ देते हैं। तो ये आपने कभी कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, कभी कभी क्या, मोस्टली किया होगा, क्योंकि मैंने खुद किया है और इसीलिए मैंने ये यूजफुल सी ट्रिक आपको बता दी। फिर चाहे आपको क्रीम वो जो मेल्टेड है ना, वो फ्रिज में रखकर रीयूज करनी पड़े, टाइम लग जाएगा, बट मेक श्योर कि लास्ट वाली क्रीम को यूज ना करो। और बस मेरी यही ट्रिक से डिजाइन पूरी बन चुकी है। अब जो डिजाइन मैंने बनाई थी ना फ्रेंड्स, वो थोड़ी दब रही थी, तो मैंने चॉकलेट गनार से थोड़ी आउटलाइन कर दी उनकी, आगे लाइट भी बनाई है उसकी भी कर दी, पीछे बोनट पे भी कर दी, आप देख सकते हो वो और भी ज्यादा हाईलाइट हो गया। टायर थोड़े से मेरे हाईलाइट नहीं हो रहे थे, तो मैंने व्हाइट कलर की क्रीम से ना इस तरीके से डिजाइन बना दिए, क्योंकि बच्चे का केक था तो थोड़ा फैंसी और अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तो बस उसी हिसाब से मैंने पूरी ये डेकोरेशन की है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी और आपको अगली बार जब भी नेक्स्ट कार केक का ऑर्डर मिले तो आप मेरी ये वाली ट्रिक ट्राई करना और ये डिजाइन भी जरूर बनाना। हाँ, कलर आप अपनी चॉइस का कोई भी बना सकते हो। अब फ्रेंड्स, जिनका केक का ऑर्डर था ना, उन्होंने बोला था कि बच्चे का नाम जरूर लिखना, बट इस तरीके के केक में कहीं टॉपर लगाऊंगी, बोर्ड पे नाम लिखूंगी, तो वो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, जो नेम प्लेट होती है ना वो बनाई व्हाइट कलर की क्रीम से और गनाश से बच्चे का नाम लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि नंबर प्लेट पर उस बच्चे का नाम लिख दिया। और फिर कार जो है ना, बोर्ड के ऊपर रखी हुई थोड़ी कम कलरफुल लग रही थी, तो मैंने थोड़ी बची कुची क्रीम में डाला ग्रीन कलर, उठाया ग्रास वाला नोजल और बिल्कुल जॉइंट जो होता है केक और बोर्ड का, वहां पर ग्रास नोजल से बना दी डिजाइन। और इससे ना फ्रेंड्स, केक बहुत ही कलरफुल लगा, बहुत ही सुंदर लगा। और ये जो कार केक है ना फ्रेंड्स, मैंने रेक्टेंगल बोर्ड पे रखा है। मेरा जो केक मोल्ड था ना वो 7 इंची का था और जो ये मेरा रेक्टेंगल मोल्ड है ये 10 इंची का है। तो ये मोल्ड आपको मिलेगा प्रतिमा जी की शॉप से। इनफैक्ट कलर्स, नोजल्स, चॉकलेट्स, बोर्ड, प्रीमिक्सेस, बहुत कुछ सामान आप ऑनलाइन अपना वहाँ से मंगा सकते हो। इंडिया में, इंडिया के बाहर किसी भी कोने में रह सकते हो, आप मंगा लीजिएगा। तो बस इस तरीके से ग्रास नोजल से डिजाइन बनाने के बाद मेरा केक हो गया रेडी फ्रेंड्स। और अर्जेंसी थी तो ज़्यादा क्लिप्स नहीं इसकी बना पाई, केवल 2 फोटोग्राफी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो विद दैट फ्रेंड्स, हमारा कार थीम केक इस तरीके से होता है पूरा। और मैं यह नाम भी देखो आपको लिख करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। आप भी अगर कभी कोई ऐसा केक का ऑर्डर कंप्लीट करो तो बच्चे का नाम ऐसे ही लिखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। सो वीडियो, मेरी ट्रिक्स, मेरा ये बताने का तरीका, मेरा केक अगर आपको जरा भी पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कर दिया करो, उससे मोटिवेशन थोड़ा मिलता रहता है और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज फिर बनाती रहूँगी और लाती रहूँगी। और हाँ, चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, मेरे लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आपसे कुछ भी मिस ना हो। और जाते जाते फ्रेंड्स, वो बोलते हैं ना, टचअप करना मैं छोड़ती नहीं हूँ, हाथ में गनाश है ना, तो जहाँ जहाँ लग रहा है ना आउटलाइन मैंने कर दी है। और आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। इसकी अप्रॉक्स प्राइसिंग भी मैंने शेयर कर दी है, बट ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसे अपनी जगह के रेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।